नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है 21 जनवरी 2024 सीटेट पेपर के लिए प्रीवियस ईयर हम आपको करा रहे हैं इससे पहले जो पेपर देखा था वो 6 फरवरी 2023 वाला देखा था यदि नहीं देखा हो साइड माई बटन में वीडियो मिल जाएगा सीडीपी सेक्शन हमने कराया था आज हम कराएंगे तीन फरवरी दो को जो पेपर हुआ था जूनियर लेवल का छह से आठ लेवल का और इसका भी सीडीपी सेक्शन टोटल तीस प्रश्न हम यहाँ पर कवर करेंगे तो जूनियर लेवल का पेपर है इस चीज को क्लियर यहाँ पर ऊपर देख लीजिएगा और यहां पर एग्जाम डेट देख पाएंगे तो तीन फरवरी दो की जो है ये है तो स्टार्ट करते हैं हैं प्रश्न नंबर से से इनमें कौन सा स्थूल गामक कौशल जिसको हम कहते ग्रॉस मोटर स्किल इसका उदाहरण है आपसे पूछा गया है चित्र बनाना सुई पकड़ना तेज चलना भागे में मोती पिरोना अगर आप थोड़ा सा यहां पर चीजों को गौर करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बड़ी मसल्स को लेकर के बात की जाए सुई पकड़ना वगैरह है बहुत छोटे सी मसल्स का यूज हो रहा है तो ये जो अंतर होता है ना आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत या स्थूल गामक कौशल सूक्ष्म तो गामक कौशल में तो स्थूल में क्या होता है नामी स्थूल है स्थूल मतलब होता है बड़े के संतर्भ में तो ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है जिसमें आपकी जो मसल्स हैं लार्ज जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं सीधे सीधे जैसे आपके आर्म्स हो गए यानी हाथ हो गए लेग्स हो गए इस प्रकार से अब जहां से यहाँ पर चित्र बनाना है तो आप पेंसिल की मदद से या पेन की मदद से बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आपका ये स्थूल गामक कौशल में नहीं आएगा सुई पकड़ना भी इसमें नहीं आएगा पर तेज चलना वॉकिंग फास्ट आपका इसमें जो है वो आएगा धागे में मोती पिरोना भी नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा सी वाला स्थूल कौशल के अंतर्गत वे बड़ी गतिविधियां आती हैं जो शिशु अपने बाजुओं टांगों पैरों या पूरे शरीर के जरिए करता है सीधा सा है इसमें आसान सा घुटनों के बल चलना है खड़े होकर चलना है तेज चलना दौड़ना कूदना आदि सब स्थूल कौशल के उदाहरण है अगला है प्रश्न आपका विकास का अधोगामी सिद्धांत जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट वो पूछा गया है कि ये विकास किस ओर से किस तरफ जो है आपका बढ़ता है तो जटिल से सरल या सिर से पैर केंद्र के बाहे या केंद्र से बाहे और या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर आंसर की बात करते हैं तो प्रोक्सिमो डिजिटल जो होता है वो आपका ऑप्शन सी केंद्र के बाहे जो लिखा है ये आपका सही होगा जिसमें आप कहेंगे विकास जो होता है वो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो है आपका चलता है अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बनेगी स्पाइनल कॉर्ड जानते हैं ना रीढ़ की हड्डी जो होती है वो एकदम सेंटर में पीठ में आपको देखने को मिलती है तो वही केंद्र से बाहर की ओर तो फिर उसके बाद हृदय फिर इसी क्रम में विकास आपका जो है वो हो जाएगा जैसे बच्चे को अगर एग्जाम्पल के लेकर के समझे तो बच्चे का खड़े होने से पहले बैठने में सक्षम होना बच्चे हाथ और पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाना सीखते हैं तो ये सभी अधोगामी सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल अगला है इनमें से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन विद्यालय किताब मीडिया माता पिता और नीचे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं और आपको बताना है कि पहला चौथा पहला दूसरा तीसरा इसी प्रकार पहला तीसरा चौथा या पहला दूसरा तीसरा तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन से रिलेटेड कल वाले पेपर में भी आपने देखा था क्वेश्चन आया था प्राइमरी में बेसिकली आपको याद रखना है कि माता पिता आते हैं सबसे अच्छा तरीका है समझने का याद करने का प्राइमरी में आपके माता पिता आते हैं बाकी सेकेंडरी में आपका जितनी भी सोशल जाए विद्यालय हो गया किताबें हो गई मीडिया हो गई या फिर रिलीजन आप कहेंगे वो हो गया या किसी प्रकार का ग्रुप के संदर्भ की बात की गई वो हो गया कि या कोई वर्क कलीग की बात हो तो वो सब सेकेंडरी में आ जाता है माता पिता यहाँ पर जो है वो नहीं होगा तो द्वितीय कारक में आपका पहला दूसरा और तीसरा यानी कि डी ऑप्शन जो देख रहे हैं पहला दूसरा तीसरा ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा द्वितीय सामाजिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो कि बाद के वर्षों में चाहे वो पड़ोस हो विद्यालय है सहकर्मी समूह है जैसे माध्यम से आपका शुरू होता है तो रखिएगा कि के से गुजरता, ये स्टेज को याद रखेंगे तो मेच्योरिटी उसमें विद्यालय किताबें आवाज मीडिया सामाजिकरण के द्वितीय कारक है जो कि बच्चे को सामाजिक बनाने में भूमिका निभाते हैं और इसके साथ ही बच्चे के मूल्य मानदंड और परंपराओं को प्राप्त करने में बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक जो संकेत है उनको विकसित करने में मदद जो है वो करते हैं चौथा प्रश्न है आपका जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है तो जीन पियाजे की कौन सी स्टेज थी कल हमने सारी स्टेज के बारे में भी बताया था आपको और सभी की एज भी बताई थी यहां पर जो बात हो रही है वो आपकी सबसे हायर स्टेज की बात कर रहा है जहां पर कोई भी संक्रिया प्रक्रिया करने को लेकर के बात हो या फिर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की बात हो तो सबसे लास्ट स्टेज जो आपकी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक यहां पर ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू जीन जे अगर बात करते हैं इसकी एज फैक्टर तो ग्यारह से पंद्रह है जो चौथी स्टेज की बात होती है और इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है और इस अवस्था में बच्चे की मानसिक क्षमता अधिकतम स्तर तक जो है वो देखने को मिलती है अमूर्त और वैज्ञानिक सोच उसके अंदर देखने को मिलती है बस इतना काफी होगा अगला है जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है सीखने के लिए तत्परता नकारात्मक पुनर्बलन ये नकारात्मक रा लिखा है नेगेटिव री प्रतियोगी भावना या कार्यात्मक स्थिरता इन्होंने कहा है कि जीन पियाजे ने अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया में किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दिया है आंसर की बात करते हैं तो पहला यहां पर जो है सीखने के लिए जब तक आप तत्पर नहीं होंगे तब तक आपको कोई सिखा नहीं सकता ये जो है अधिगम की प्रक्रिया में इनके द्वारा है और इसको लेकर के है कि बच्चों को कुछ अवधारणाएं

चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में में है 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 आपसे पर पूछा पूछा गया गया तो इन्होंने जो स्टेज स्टेज दी थी ना उसी में से आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी यंत्री उद्देश्य उन्मुखी या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी या फिर कानून और उन व्यवस्था उन्मुखी और कानून और व्यवस्था उन्मुखी ये सब इंग्लिश टर्म भी यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि आपका कोई भी नियम है उस नियम का ही अनुसरण करना चाहिए इस तरीके की जो कंडीशन है कानून और व्यवस्था उनकी यहाँ पर कानून लॉ की बात हो रही है इसी में ही आपका जो है ये आएगा के अनुसार अमरजीत अवस्था में, है। में जो सामाजिक नियम और कानून है वो व्यवहार कानून के एक बड़े दृश्य पर ध्यान रखने लगता है और उसके नैतिक निर्णय दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध के विचार से अधिक हो जाते हैं इस चरण में व्यक्ति ये मानने लगता है कि नियम और कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं और जो कि संरक्षित करने योग्य हैं प्रश्नानुसार अमरजीत भी नियमों के मानती और इस बात के करती है सभी को इस नियमों का प्रश्न तो देखते हैं प्रश्न नंबर सात की कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने ये देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को इनमें से क्या करना चाहिए पहला है कि उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए दूसरा है उस प्रदत्त कार्य कार्य को छोड़ को छोड़कर अगले करने के लिए करना चाहिए या फिर प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए या अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए तो यहाँ पर भैया ऐसे निर्देश तो आप कभी नहीं देंगे तो ये तो ऑप्शन सबसे पहले कट जाएगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं उस काम को छोड़ करके बाकी काम अगर आप करवाने लगेंगे तो जो एक्चुअल चीज छोड़ देंगे फिर बच्चा वो कब सीखेगा यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रश्न का हल ढूंढने में कोई अच्छा बच्चा ढूंढ रहा है तो आप क्या करेंगे उसको सहयोग देने के लिए क्या कर सकते हैं पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहेंगे तो भैया ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ये भी कट जाएगा बचा तो आपका केवल एक ऑप्शन कि प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो गिवन क्लूज एंड हिंट्स रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम ये आपका सही हो जाएगा वही चीज यहां पर जो है वो बताई गई है अगला देखते हैं प्रश्न आठ विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए संज्ञानात्मक विकास का मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बौद्धिक क्षमता से संबंधित तो इसके संवर्धन के लिए उसको बढ़ाने के लिए इनहेंस करने के लिए ने किसके की अनुशंसा जो है वो की है सोशियो आइसोलेशन है यानी कि सामाजिक प्रतिकरण सांस्कृतिक उपकरणों का यूज करना या कंठस्थीकरण या फिर निष्क्रिय अनुकरण अब देखिए केवल कंठस्थ करना तो कोई भी आपका सही नहीं बताता है रटना और कंठस्थ करना ये तो सबसे पहले काट दीजिए यहाँ पर शब्द निष्क्रिय अनुकरण की बात की गई है इसको लेकर के भी यहाँ पर काट दीजिए अब आपको पता है कि इन्होंने जो दिया था ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और पहले ऑप्शन में देखेंगे तो सामाजिक दिया गया है और यहां पर देखेंगे तो सांस्कृतिक दिया गया है पर यहाँ पर सामाजिक पृथककरण की बात कर रहा है ले वाइगोस की ये नहीं कहते थे पृथककरण वो कहते थे समाज में रहकर के बच्चा जो है वो सीखता है इसीलिए उन्होंने कहा था कि भाषा जो है वो पहले आती है विचार बाद में आते हैं तो तो ये ऑप्शन तो पहला वाला भी कट जाएगा तो बचेगा क्या केवल बी ऑप्शन बचेगा सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए आप कल्चर टूल्स का यूज करें इसके कारण अनुशंसा जो है वो की है और उसी को लेकर के इन्होंने बताया कि भाषा समाज के द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो की बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है वाइगोस्की ने बालक सामाजिक अंत क्रिया के द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है वैश्विक और साथ परस्पर अंत क्रिया से सीखता है जिसके फलस्वरूप इनका संज्ञानात्मक शारीरिक सामाजिक विकास होता है इसलिए बालक के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है और विद्यार्थी है अभिभावक है या फिर आपका अध्यापक है या फिर परीक्षाएं स्पेलिंग कुछ यहां पर गलत दे रखी है उस पर आप फोकस मत कीजिएगा एडुकेटियन होता है तो यहाँ पर पूछा गया प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के होता है और यही आपका स्टूडेंट्स जो, जो, के जो है आपका होता है इसको लेकर के यहाँ पर लिखा गया है कि आपका सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं सामग्री और अनुभव से जोड़ करके उनके कौशल और समझ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं वो सारी चीजें अगला प्रश्न है दस कि अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है ठीक है हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर जो है वो देना चाहिए पहला ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि दूसरा है प्राकृतिक बुद्धि तीसरा है संगीतात्मक बुद्धि और चौथा है अंतर बुद्धि अब बनना वो चाह रहा है परामर्शदाता काउंसलर बनना चाह रहा है तो भैया म्यूजिक से तो कोई लेना देना नहीं होगा संगीत वाला ऑप्शन तो सबसे पहले काट दीजिए इसके अलावा प्राकृतिक का भी कोई लेना देना नहीं है काउंसलर बनने के लिए तो ये भी आपका काट दीजिए स्थानिक बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में अंतरव्यक्तिक आपका जो है सही होगा क्योंकि अंतरव्यक्तिक जो बुद्धि होती है वो किसी भी चीज को सोचने की या आप कह सकते हैं कोई प्रयोजन है उसको लेकर के आपकी क्षमता को दर्शाता है यहां पर देखेंगे तो परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका को उसकी अंतरव्यक्तिक बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए क्योंकि अंतरव्यक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति लोगों की मनोदशा और प्रयोजन को समझने में सक्षम होते हैं तो जब काउंसिलर अच्छे से सामने वाले को समझ पाएगा तभी तो उस चीज का इलाज कर पाएगा अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप बताते हैं भैया पेट में गुड़गुड़ गुड़ हो रही तो डॉक्टर समझ पाता है कि आपको एक्चुअल में समस्या क्या है तभी तो वो उस चीज का इलाज कर पाता है तो यही अंतरव्यक्तिक बुद्धि में है कि अंतर्व्यक्तिक बुद्धि वाले लोग, कि लोग की लोग जो है दो लोगों की मनोदशा और प्रयोजन दूसरों की जो है वो समझने में सक्षम होते हैं इसीलिए सही हो जाएगा अब इसमें देखिए राजनेता आते हैं प्रबंधक आते हैं शिक्षक है व्याख्याता है परामर्शदाता है सामाजिक कार्यकर्ता है ये सब आते हैं अब जैसे प्रश्न में परामर्शदाता पूछा गया शिक्षक पूछा जा सकता है एक शिक्षक बनना चाहता है तो हार्वर्ड, हार्वर्ड अगले तो प्रश्न की तरफ प्रश्न नंबर ग्यारह सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए प्रैक्टिसिंग लर्निंग पहला कह रहे समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण करना चाहिए दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का जो जो केवल लग गया ये क्या है ये एक निगेटिव टर्म है एक टर्म कि आपको एक तय सीमा तक की ही बात कर रहा है तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा सीटेट में प्रश्नों को शब्दों से भी काटना सीखिए चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना कभी भी रोक लगा करके आप नहीं किसी चीज को बढ़ावा दे सकते हैं ये भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा चौथा कह रहा है विविध शिक्षार्थियों के समूह बना करके ये अच्छा ऑप्शन है और पहला क्या कह रहा था एक समान योग्यता आधारित समूह का तो एक समान नहीं होता है क्योंकि सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है तो ये भी ऑप्शन नहीं ही होगा डी ऑप्शन ही सबसे बेस्ट होगा जहां पर बात हो रही थी कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए तो आप कहेंगे उसको विविध शिक्षार्थियों के समूह बना देने चाहिए मेक ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स जो है आपका यहाँ पर सही होगा अध्यापक को विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाने चाहिए जिससे कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकें और सीखने का प्रयास करें बस यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर अगला एक कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है कौन आपका एक अध्यापक ऐसा है जो कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है ऐसा करके वह क्या कर रहा है क्रिकेट में ऐसा बात हो रही है अब देखते हैं भी आप हैं क्रिकेट में मोस्टली आपको मेल कैंडिडेट ही देखने को मिलते हैं तो ऐसा वो कर रहा है कि रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है जेंडर पूर्वाग्रह जो है उसका पालन कर रहा है जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है देखिए तोड़ना तो तब होता है जब वो काम क्या करता अपोजिट करता कि माना यह जाता है कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं और वो लड़कियों को खिला रहा होता तब वो जेंडर रूढ़ी बात धारणाओं को तोड़ रहा होता तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा ऊपर देखेंगे तो जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है समानता अगर कर रहा होता तो लड़के लड़कियों दोनों को खिलाता तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है ये आपका बिल्कुल सही होगा चुनौतियों का सामना नहीं कर रहा है क्योंकि चुनौतियां जब होती हैं जब वो क्या करता कोई चीज मान्यता पहले से चली है उसके खिलाफ कोई डिसीजन ले रहा होता है ऐसा तो कर ही नहीं रहा है तो यहाँ पर क्या है पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है यानी कि जो चीज पहले से चली आ रही है वो उसी का ही पालन कर रहा है और पहले से क्या चली आ रही है कि भैया लड़के जो है वो खेलते हैं क्रिकेट और लड़कियां खेलती हैं खो खो ये हमारे दिमाग में आप कह सकते हैं जैसे जो पहले से फिट होता है तो वही चीज बात कर रहा है जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है और बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों के लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है ऐसा करके वो जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है किसी लिंग विशेष जैसे पुरुष अथवा महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना कहलाता है लैंगिक पूर्वाग्रह और ये लड़कों को अधिक शक्तिशाली समझते हुए शिक्षक द्वारा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दिया जा रहा है तो कि स्पष्ट तरसार है जेंडर पूर्वाग्रह को अगला देखते हैं प्रीवियस ईयर अगर आपने लगा कर अच्छे से गए हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आपको पेपर में कोई दिक्कत आने वाली है क्योंकि यहां से बहुत से ऐसे से टर्म है जो कि आपको समझ में जब क्वेश्चन करते हैं तभी आते हैं कई बार आप टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं उतना नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए अलग अलग जो है वो पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए दूसरा कह रहे हैं सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी और बनाए रखनी चाहिए अब एक चीज समझिए समूह बनाना जो है वो यहां पर कह रहा है कि उनके निष्पादन के आधार पर यानी कि जो ग्रुप बना देना बेस ऑन देयर परफॉर्मेंस कोई बच्चा अच्छा कर रहा है उसको आपने अलग ग्रुप में डाल दिया कोई बच्चा खराब कर रहा है खराब खराब बच्चों को एक अलग कर दिया तो ऐसे बच्चे सीखेंगे कैसे समावेशी शिक्षा हमारी क्या कहती है कि भैया सबको एक साथ लेकर के चलना है तो ये तो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा दूसरा ये कह रहा है सभी से सफलता की अपेक्षाएं करना बिल्कुल सही है Set and maintain expectation of success from all, और बनाए रखना चाहिए ये भी आपका बिल्कुल सही है तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर जो है वो उनका बांट देना तो बिल्कुल गलत है कभी भी उनके सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के आधार पर नहीं बांट सकते कि भैया ये तो गांव से आता है ये शहर से आते हैं ऐसे करके या उनका क्या बैकग्राउंड है उनकी क्या कास्ट है इन सभी के आधार पर आप नहीं बांट सकते तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा दूसरा ही ऑप्शन जहां तक होगा कि सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी और बनाए रखनी चाहिए चौथा ऑप्शन भी देखते हैं चौथा ऑप्शन कह रहा क्या रहे मानकी पाठाचार्य और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए तो स्टैंडराइज आपका नहीं होगा बी ऑप्शन जो ऊपर हम देख करके आए थे तो वही सही होगा कि विभिन्न जो पृष्ठभूमि है उससे आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को सभी छात्रों से सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए उन्हें बनाए रखना चाहिए जिससे कि छात्र पूर्ण सहभागिता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए सक्रिय रूप से अधिगम कर सकें जबकि समूह बनाना उनके पृष्ठभूमि के आधार पर उनका वर्गीकरण करना मानकीकृत पाठचार्य ये सभी तरीके बच्चों के अधिगम में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं इसलिए बाकी ऑप्शन कट जाएंगे अगला कह रहा है रचनात्मक आकलन जिसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट ये आपका कब किया जाता है केवल सत्र के प्रारंभ में किया जाता है या सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान किया जाता है या फिर केवल सत्र के अंत में किया जाता है या फिर केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं तो अच्छा क्वेश्चन है तो यहां पर दो प्रकार के मुख्यता आकलन आपको देखने को मिलते हैं एक है आपका रचनात्मक आकलन और दूसरा आपका होता है योगात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है इसमें आप देखेंगे तो टाइम टाइम पर आपका आकलन करते रहना चाहिए मतलब जो भी जैसे आप मान लीजिए क्लास टेंथ में पढ़ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से लेकर के जब तक टेंथ नहीं समाप्त हो जाता तब तक लगातार आपका आकलन जो है वो चल रहा है तो ये आपको कहेंगे कि अल्पकालिक निर्णय लेने में जो है वो हेल्प करता है मान लीजिए कि यूनिट टेस्ट हो रहे हैं अगले टेस्ट हो रहे हैं तो इससे क्या है बच्चे की परफॉर्मेंस तुरंत तुरंत तुरं आपको लगातार पता चलती रही तो इस प्रकार के आकलन 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 इसमें आ जाते हैं पर दूसरा जो होता होता है वो होता है वो योगात्मक आकलन, जिसको हम क्या कहते हैं असेसमेंट उसको में क्या होता है उसमें होता है दीर्घकालीन जो निर्णय है उसके लिए सहायक होते हैं जैसे फाइनल एग्जाम उसको कह लीजिए अंतर समझने के लिए सबसे बेस्ट है तो यहां पर अगर देखेंगे कि समय समय पर आकलन हो रहा है तो केवल सत्र के आरंभ में कर लेंगे तो बिल्कुल गलत है सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान सही हो सकता है केवल सत्र के अंत में तो बिल्कुल नहीं होगा और यहां पर क्या रहा है केवल जो अधिगम चुनौतियां कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र जो चलता रहता है पूरे सत्र चलने का मतलब मैंने बताया ना कि यूनिट टेस्ट होते हैं कि अगले टेस्ट हुए वो टेस्ट हुए यानी कि आपका जो शॉर्ट टर्म क्या परफॉर्मेंस है उसको लेकर के आप रचनात्मक आकलन कर सकते हैं तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यह आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार सतत होता है इसका प्रयोग अधिगम के लिए कार्य क्षेत्रों का पृष्ठपोषण पृष्ठपोषण मतलब होता है फीडबैक फीडबैक क्या होता है जैसे आपने कोई काम किया कैसा किया अगला कोई बताए तो वो चीज आपको पता चल जाती है जैसे मान लीजिए कि बच्चे का आपने टेस्ट लिया बच्चे ने कितने नंबर लाए तुरंत आपको पता चल गया कि बच्चे के क्या परफॉर्मेंस है तो तुरंत हमें फीडबैक मिल जाता है इसके

एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है और आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या से किस प्रकार सुलझाएंगे अगर आप नहीं भी जानते क्रिटिकल थिंकिंग तो आपको क्या समझ में आ रहा है अगर मैं पहले का आंसर पूछूं तो एक शब्द में आंसर आ जाएगा जो राजधानी है भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है एक शब्द में आंसर आ जाएगा एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा एक शब्द में आंसर आ जाएगा परंतु चौथे में क्या ऐसा है आप अपने शहर में पानी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे यानी बहुत सी लाइनों में आंसर होगा एक ऐसे भी बन सकता है तो इस प्रकार की जो थिंकिंग चौथे ऑप्शन में देख रहे हैं ये चारों ऑप्शन से अलग है अगर आपको नहीं भी पता है क्रिटिकल थिंकिंग तो भी आप आसानी से चार ऑप्शन में से निकाल सकते हैं बाकी क्रिटिकल थिंकिंग यही है जहां पर आप विस्तार से सोच करके बता पाए यही आपका सही हो जाएगा समाज लो समालोचनात्मक चिंतन तर्क या तर्क को नई या अपरिचित स्थितियों विचारों सुझावों पर लागू करने की क्षमता है ये तथ्यों घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ये ऐसे प्रश्नों को बढ़ावा देता है जिसमें केवल एक रटे रटाए उत्तर न आए अपितु छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त किए जा सके बस यही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है समाजलोचनात्मक चिंतन के लिए उचित विश्लेषण मूल्यांकन निष्कर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है अतः आप अपने शहर में पानी की समस्या को किस प्रकार सुलझाएंगे प्रश्न विद्यार्थियों में समाज चिंतन को समुन्नत करेगा अगला देखते हैं प्रश्न प्रश्न नंबर सोलह पंद्रह प्रश्न मतलब आधे प्रश्न हम देख चुके हैं कोशिश हम कर रहे हैं कि चीजों को केवल आपको कराना दें आपको चीजें समझा भी पाए इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होते हुए देखने को मिल रहा होगा बाकी वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे अगला प्रश्न देखते हैं समावेशन की अवधारणा वो आपसे पूछा पूछा गया है। इंक्लूज, पूछा गया है रिक्वायर्स तो रिक्वाप्टे अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है विविधता और व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण या अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां या विद्यार्थियों का नामीकरण लेबलिंग और प्रत्यक्षकरण देखिए नामीकरण करना लेबलिंग करना ये तो किसी भी स्तर से सही नहीं है यहाँ पर देखेंगे तो बात प्रश्न में क्या कह रहा था कि समावेशन की अवधारणा के लिए किसकी आवश्यकता है समावेशन में होता है क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो समावेशन या समावेशी शिक्षा में हम यही करते हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चा है अलग अलग क्षमताएं हैं सबको एक साथ पढ़ाना पहले पॉइंट में अगर देखेंगे तो विविधता की बात की गई है व्यक्तिक भिन्नताओं की बात की गई उन सभी को सम्मान दिया जाए तो बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा बाकी ऑप्शन में कन्फ्यूज होना ही नहीं है चाइल्ड होता, होता है तो ये भी नहीं होगा पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भाई है समावेशन जहां पर सभी को समान शिक्षा देखने को जो है वो मिले अगला है आपका पठन वैकल्य जिसको हम क्या कहते हैं डिस्लेक्सिया तो डिस्लेक्सिया आपसे पूछा गया है किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है कल ही हमने आपको बताया था एक भावात्मक है, है, या सामाजिक अंत क्रिया जो है उसमें है या लिखित विषय वस्तु जो है उसके बोध में है तो पढ़ने से संबंधित समस्या होती है कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भाव भाव तो नहीं आपको समझ शारीरिक भी आप देखेंगे और सामाजिक देखेंगे लिखित विषय वस्तु आपका यहाँ पर जो है वो सही होना चाहिए लिखित वस्तु इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कोई चीज लिखी हुई होती है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है ना तो वही कह रहा है कि किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती होती है तो चुनौती किससे संबंधित संबंधित लिखित विषय वस्तु बोध बोध मतलब समझने में तो यही चीज यहाँ पर है पठन व्याकल या डिस्लैक्सिया एक अधिकम विकलांगता है जिसमें लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है पठन व्याकल से ग्रसित छात्रों को लिखित विषय वस्तु बोध में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती का सामना करना पड़ता है अगला देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है स्वालीनता ऑटिज्म ऑटिज्म को कहते हैं स्वालीनता ऑटिज्म होता क्या है ऑटिज्म होता है कि अगर कोई बच्चा है जो ज्यादा समाज से जुड़ना नहीं पसंद करता है या आप कह सकते हैं कि बातचीत करना दूसरे लोगों से जुड़ने की जो तो क्षमता कम होती है वो होती है आपकी ऑटिज्म 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 तो स्टूडेंट्स विद फेस सेवरल चैलेंजेस मतलब से ग्रसित कोई विद्यार्थी है कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना करता है लेकिन उसके पास जो है एक पॉइंट है जो कि मजबूत पक्ष है अध्यापक जिसका इस्तेमाल यूज कर सकता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तो वो क्या है सामाजिक संप्रेषण तो होता ही नहीं है ना मैंने पहले कहा सोशल कम्युनिकेशन जो है ऑटिज्म में आएगा ही नहीं तो ये तो सबसे पहले काट दीजिए स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हजके व्यक्त करना बिल्कुल नहीं आएगा और फिर मैंने क्या बताया कि बच्चा जो है दूसरों से बातचीत करने में बातचीत करने में कतरा आ रहा है तो वो चीज तो आपकी निगेटिव या सीधे सीधे कट जाएगी तीसरा कह रहा है दैनंदिनी में जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलता पूर्वक सामंजस्य ये भी नहीं आएगा पहला ही ऑप्शन सही होगा जो सूक्ष्म में विवरण होते हैं ना उन पर ध्यान देना ये चीज जो है उसका मजबूत पक्ष होता है ऑटिज्म से ग्रसित जो भी अभ्यर्थी है तो इसका यूज कर सकता है जो भी अध्यापक है किसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्वालीनता में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं लेकिन उनके पास सूक्ष्म उन पक्ष भी है क्या होता है जिसमें बच्चे समाज से जो है वो दूरी बनाने लगते हैं और लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थी सामान्य बच्चों की तरह अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है वो चीजों को दोहराते हुए बोलते हैं इसलिए उनका संवाद अर्थपूर्ण जो है वो भी नहीं होता है तो ये में जो है, वो कारण हो जाएगा उन्नीस प्रश्न देखते हैं दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए बाधित से जुड़ता कोई विद्यार्थी है उसको देखने में दिक्कत हो रही है तो शिक्षण जब आप कर रहे हैं तो किस माध्यम का यूज जो है आपको नहीं करना चाहिए बचना लिखा हुआ है तो पहला कह रहा है श्याम पट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से आप व्याख्या कर दें तो ये तो सही काम है ना अगर आप वो नहीं देख पा रहे तो अगर आप व्याख्या कर देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा तो पहला तो सही है जबकि आपसे नहीं पूछा गया है बचना चाहिए पूछा गया है दूसरा कह रहा है स्पर्श ग्राही मानचित्र देना स्पर्श ग्राही समझते हैं जैसे ब्रेल लिपि आपने कभी देखा होगा सुना होगा तो जो डॉट होते हैं उभरे रहते हैं तो अगर किसी को देखने में दिक्कत है तो वो छू करके पता कर लेता है क्या लिखा है तो वही टाइप का प्रोवाइडिंग आपको कर देना है मानचित्र दे देना है तो उसको दिक्कत नहीं होगी ये भी सही है सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना जो आपको उसको हेल्प कर सके वो अगर आप दे देंगे अनुमति तो बिल्कुल सही बात है अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना बस यही गलती हो गई अब भैया जब उसको दिखाई नहीं दे रहा तो आप कहां से लिखित परीक्षण ले लेंगे तो बस यही गलती हो गई और यही आपका गलत हो जाएगा तो इस

माइंड लेवल होता है वो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा ही होता है तो ये तो सही है प्रश्न में नहीं पूछा गया है दूसरा कह रहे हैं उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल होता है बिल्कुल होता है प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है हाई लेवल की तीसरा कह रहे हैं कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है हाई मोटिवेशन होता है मास्टर स्किल्स से रिलेटेड बिल्कुल सही है जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन लिखा हुआ है बस यही गलत हो जाएगा आसानी से आप पहचान जाएंगे कि भैया प्रतिभाशाली बालक है तो भैया यही दिक्कत उसके अंदर जो है वो नहीं होगी जो कि बाकी सारी चीजें उसके अंदर हैं तो ये बाकी इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है पर कोई कठिन नहीं है प्रश्न तो बिना एक्सप्लेनेशन के भी आप समझ जाएंगे सोच आप जानते हैं इनकी कैसी होती है प्रतिभाशाली की अब होती है जिज्ञासु होते हैं कभी कभी उन्हें अपनी कक्षा नीरस लगने लगती है क्योंकि ये विद्यार्थी अपनी साथियों की तुलना में चीजों को तेजी से सीख लेते हैं ये सारी चीजें भी इनके अंदर होती हैं अगला कह रहे हैं एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता के डैश परिप्रक्ष्य और अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के डैश परिप्रेक्ष्य और अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तो दो प्रकार की बात की गई है पहला कह रहा है वृद्धि बोधक और एक सक्रिय अस्तित्व बोधक एक निष्क्रिय वृद्धि बोधक एक निष्क्रिय और अस्तित्व बोधक सक्रिय देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्रोत्साहित करने को लेकर और प्रोत्साहित में कभी निष्क्रिय को तो करेंगे नहीं तो निष्क्रिय वाला ये भी ऑप्शन ये भी ऑप्शन दोनों काट दीजिए सबसे पहले बिना कोई दिमाग लगाए क्योंकि यहां पर बात हो रही है प्रोत्साहित विद्यार्थियों की योग्यता के संदर्भ में आप प्रोत्साहित करेंगे तो निष्क्रिय तो करेंगे नहीं अधिगम को निष्क्रिय प्रक्रिया तो होगा नहीं तो एक सक्रिय वाला होगा अब यहां पर दो ऑप्शन बचे एक वृद्धि बोधक जिसको कहेंगे इंक्रीमेंटल और दूसरा है अस्तित्व बोधक जिसको कहेंगे एंटाइटी तो यहां पर विद्यार्थियों को योग्यता के वृद्धि बोधक परिपेक्ष होगा या फिर आपका अस्ति, अस्तित्व बोधक परिपेक्ष होगा तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर होगा क्योंकि धीरे धीरे इंक्रीमेंट आप चाहते हैं में रहे और अधिगम को सक्रिय तो होगा तो पहला सही हो जाएगा। प्रभाव भी कक्षा कक्ष का निर्माण हो सके और विद्यार्थी अर्थ हो अर्थपूर्ण होगा अर्थ नहीं होगा अर्थ लिख दिया है अर्थपूर्ण अधिगम जो है वो कर सके बाईस प्रश्न यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है क्या नहीं दिया जा रहा है अगर गतिविधि को जो है वो एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस नहीं एक्टिविटी को अगर जो है वो नहीं वैल्यू दी जा रही है तो ऐसी कंडीशन में जो स्टूडेंट है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा जिज्ञासा उत्साह आनंद या बोरियत अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बोरियत हो जाएगी आपको भी बोरियत हो जाएगी अगर आप पढ़ाई कराए जा रहे हैं और कोई चीज एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं चीजों का तो जाहिर सी बात है बोरियत सही हो जाएगा कि अगर गतिविधि को आप महत्व नहीं दे रहे हैं तो विद्यार्थी बोरियत हो जाएगा बस यही सही हो जाएगा अगला है कि स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती हैं इसके लिए उसे क्या करना चाहिए इंग्लिश टर्म टर्मी देखेंगे तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग हर स्टूडेंट टू डू सो सी सूट उसको क्या करना चाहिए पहला कह रहा है विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए अच्छा एक चीज ऊपर आपको प्रश्न में आपने ध्यान दिया यहां पर जो हिंदी का टर्म लिखा था वो क्या था समुन्नत समझ अब आपको समुन्नत समझ हो सकता हो किसी ने सुना भी ना हो जीवन में पहली बार सुना हो पर कंसेप्चुअल को कर देना चाहिए बता रहा हूँ तो त्रिकोण मेति बेस कहाँ से आए है चीजें निकल करके कर, वो आप बेहतर से बेहतर जब समझ उसके सामने वाले बच्चे को होगी तभी वो आगे के क्वेश्चन समझ पाएगा तो इंग्लिश टर्म कई बार समझ में आ जाते हैं इसीलिए कभी भी कोई शब्द ना समझ में आए तो उसका इंग्लिश टर्म जरूर देख लीजिएगा अब यहां पर देखिए तो प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए तो बिल्कुल गलत है एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था जहां पर मैंने बताया था कि भैया सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं तो एक सेम मैनर में तो पॉसिबल नहीं है दूसरा कह रहा है प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिगम जो संज्ञानात्मक कौशल जो है उन पर ध्यान देना चाहिए यही आपका जो है जहां तक सही होगा फोकस ऑन प्रोसीड नॉलेज तो प्रोसीजर नॉलेज और मेटा मेटाकॉगनेटिव स्किल्स यही आपका सही होगा तीसरे में अगर देखेंगे तो यहां पर तो भैया रटने को कह दिया कि भैया आप कंठस्थ कर लें स्मरण कर लें रट लें तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा और विद्यार्थियों को उपधारणाओं से संबंधता स्थापित करने के लिए यहां पर क्या आप कह रहा है निरुत्साहित करना चाहिए भैया निरुत्साहित क्यों करेंगे आप प्रोत्साहित करेंगे तो यह भी गलत हो जाएगा तो मैंने क्या कहा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा वही जी जहाँ लिखा है स्कूल अध्यापिका ऋषा अपने विद्यार्थियों से अवधारात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है इसके लिए उसे प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रक्रियात्मक ज्ञान बच्चों को ये बताता है कि उन्हें चीजों को कैसे करना है और तो अभी अति संज्ञानात्मक कौशल विद्यार्थियों के चिंतन और अधिगम को नियमित करता है बच्चों को उच्च क्रम की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का समाधान करने में हेल्प करता है वही सारी चीजें लिखी हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला इनमें से कौन सी सामाजिक रचनावादी जो कक्षा है उसकी विशेषता है आपसे पूछा गया है किसकी है सोशियो कॉन्ट्रेक्टिविस्ट क्लासरूम पहला कह रहा है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकसित विकास करना दूसरा कह रहा है अन्वेषण संबंधी अधिगम लिए अनुकूलित परिवेश तीसरा कह रहा है कंठस्थीकरण पर केंद्रित भैया कंठस्थीकरण तो बिल्कुल गलत होगा और चौथा कह रहा है मानकीकृत जो पाठ्य चल रहा है सांस्कृतिक विभिन्नता उनको ध्यान नहीं रखती हो ये भी आपका गलत ही है तो दो ऊपर ऑप्शन के बचे हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए कह रहा था कि सामाजिक रचनावादी कक्षा उसकी क्या विशेषता हो सकती है पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना तो कुछ हद तक चीजें सही लग रही हैं और दूसरा कह रहा है अन्वेषण संबंधी अन्वेषण मतलब होता है खोज संबंधी डिस्कवरी लर्निंग तो अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश तो ये भी सही लग रहा है पॉइंट देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रश्न में क्या पूछ रहा है प्रश्न में पूछ रहा है सामाजिक रचनावादी ना और सामाजिक रचनावादी में क्या होता है एक समाज के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर बात होती है कि हम खोज के द्वारा अन्वेषण के द्वारा

अगला क्वेश्चन आपका है कि स्टूडेंट्स फील मोर हिंदी वाला पढ़ते हैं विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश समुन्नत करता है अब इंग्लिश पढ़ते हैं स्टूडेंट फील मोर इन्वॉल्व एंडेज इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग रूम इन्वायरमेंट प्रमोट मतलब इस क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो इनमें से कौन सा जो है टाइप का आपका होता है जब आपका जो स्टूडेंट है वो उस कक्षा में और ज्यादा अपने आपको एंगेज हो इन्वॉल्व जो है वो महसूस करता है तो पहला जो इन्वायरमेंट है वो आपका है अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा अपने विचारों पर विचार विमर्श चिंतन अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन अब यहाँ पर भैया दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट रहे हैं पहले में कह रहा है कि अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण होता है तो बिल्कुल नहीं होता है ये तो ऑप्शन सीधे सीधे काट दीजिए और यहाँ पर क्या कह रहा है ज्ञान का केवल मात्र शब्द का उपयोग किया गया है कि क्या केवल पुनरुत्पादन ही ज्ञान का होता है तो ऐसा भी नहीं बिल्कुल गलत है पहला देखिए जिज्ञासा होनी चाहिए सबसे बेस्ट है और विचारों पर विमर्श या विचार विमर्श चिंतन ये, ये भी सही है तो पहला और दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा तो यदि कक्षा का परिवेश अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा अपने विचारों पर विमर्श चिंतन समुन्नत करता है तो विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी जो है वो महसूस करता है यही प्रश्न में पूछा गया था अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए कि विद्यार्थियों का जो अधिगम है उसको और ज्यादा आसान बनाने के लिए पहला कह रहा है उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो उसके अकॉर्डिंग हो जो यांत्रिक हो जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो हो बात हो रही है आपकी कि जो अधिगम है सीखना है उसको और ज्यादा कैसे आसान बनाया जाए उसके लिए जो टीचर है अध्यापक है उसको किस प्रकार की गतिविधियां जो है यूज में लाई जानी चाहिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं निष्क्रिय श्रवण निष्क्रिय श्रवण बिल्कुल ही गलत होगा आपका और फिर कह रहे हैं जो संदर्भ से ही हट करके हो तो बिल्कुल गलत है आपका सटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो या फिर उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो तो पहला ऑप्शन सही होगा ऐसा हो जो कि उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो तो ये आपका जो है सबसे बेस्ट होगा तो ऐसी गतिविधियों का संचालन कराना चाहिए विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को ऐसी गतिविधियों का संचालन करना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो उनकी ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में इंटरेस्ट बनाती है रुचि पैदा करती है बस यही मेन यहाँ पर कहने का मतलब है अगला क्वेश्चन आपका है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है डेवलपमेंटल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की बात यहाँ पर जो है वो की गई है जिनको समालोचनात्मक चिंतन नहीं समझ में आ रहा क्रिटिकल थिंकिंग समझ में आना चाहिए तो वही पूछा गया है पहला कह रहा है विविध संदर्भों में अधिगम के 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 अनुप्रयोग द्वारा स्थान पर कार्य को शीघ्र अति, अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवा करके अध्यापक द्वारा दिए गए जो व्याख्यान है उनका केवल सारांशीकरण जो है उसके द्वारा या फिर विषय वस्तु का कंठस्थीकरण तो सबसे पहले कंठस्थीकरण वाले ऑप्शन को भैया दीजिए काट क्योंकि केवल और केवल आप कंठस्थ करने से क्रिटिकल थिंकिंग कभी भी नहीं ला सकते तो ये तो बिल्कुल गलत है बाकी ऑप्शन में देखेंगे इसमें कह रहा है विविध संदर्भों में अधिगम का प्रयोग करें बिल्कुल सही बात है समक्ष के स्थान पर कार्य को अति शीघ्र शीघ्र बस पूरा करने के लिए आप प्रतियोगिता करा दें तो बिल्कुल गलत है अध्यापक द्वारा दिए गए जो व्याख्यान है उसका केवल सारांशीकरण कर दें

सहज सुगम किया जा सकता है क्योंकि इन गतिविधियों द्वारा बच्चों में रचनात्मक कार्य की समझ जो है वो उत्पन्न हो जाती है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह, की तरफ अधिगम जो जो गति है 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 पेस ऑफ लर्निंग जो है, वो पूरी तरह पर है, पूरी तरह तरह व्यक्तिगत कारकों कारकों पर पर निर्भर निर्भर वातावरणीय या व्यक्तिगत और वातावरणीय जो कारक हैं दोनों से स्वतंत्र है या फिर व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है जहां भी बात हो जाए अन्य क्रिया या दोनों का सम्मिलित रूप वही सही हो जाएगा तो अधिगम जो है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर जो है वो आपका निर्भर है दोनों का ही रोल होता है व्यक्तिगत भी और वातावरण का भी वही पर डिटेल में बताया गया बाकी ऐसा कुछ नहीं है चाहे तो आप पढ़ सकते हैं अगला है विद्यार्थियों की वैकल्पिक जो अवधारणाएं होती है अल्टरनेटिव कंसेप्टन ऑफ स्टूडेंट्स वो आपसे पूछा गया है कि इनकी अनदेखी करके निरुत्साहित जो है वो करना चाहिए बिल्कुल गलत है उनके अनुभवों से संबंधित ही नहीं है वैकल्पिक अवधारणाएं पूछा गया है हमेशा अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं और चौथा कह रहा है अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं तो बस यही सही हो जाएगा देखिए मैंने इसीलिए लाइन खींच दी है गलत होती हैं ये गलत हो जाएगा संबंधित कह रहे नहीं होती है ये गलत हो जाएगा निरुत्साहित होती है ये भी गलत हो जाएगा एक ही ऑप्शन बचाइए तो यही सही हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना या संप्रतियों की विषय वस्तु की जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना तो यहां पर क्या कह रहा है कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना इंपॉर्टेंट है पहला तो बिल्कुल सही है कि विभिन्न जो पहलू है उनके साथ आप संबंधता स्थापित करने तो ये तो सही है गलत नहीं है कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करेंगे हाईलाइट करेंगे जो भी कॉज इफेक्ट रिलेशन है बिल्कुल सही है अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करेंगे गिविंग नॉन रिलेटेड टू ये भी सही है चौथा देखेंगे संप्रत्यय की विषय वस्तु की जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना यही गलत है इनसे बचना चाहिए प्रेजेंटिंग द कॉन्टेंट ऑफ कंसेप्ट डिसनेक्टेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्योंकि यहां पर क्या बात कर रहा है असंबंधित संबंधित की बात नहीं कर रहा है कह रहा है जो उससे संबंधित ही ना उसके रूप में आप क्यों प्रस्तुत भला करेंगे

हो सकता हो हिंदी के भी क्वेश्चन हम आपको करा दें जैसा हो सही कमेंट में आप अपना सुझाव अवश्य बताइएगा एस एस टी के कुछ लोगों ने प्रश्नों को लेकर के कहा था हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सभी के लिए कॉमन पेपर है पहले थोड़े से उनको करा दें फिर बाकी भी जो है वो करा देंगे तो दशक में समाज कौन सा होगा द्वंद समाज तत्पुरुष समाज दिघु समास, समास, दिगु समास या बहुबरी मेन कमेंट में बताइएगा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्कार जय हिंद